इसकी 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये जी जी। नेक्स्ट इसमें बास्केट में क्या है जी? ये आप देखें, ग्रे के बच्चे हैं माशाल्लाह, इसमें अच्छा है। इसी आप भाइयों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है कि ये सारी कलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाँज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। आज एक बार फिर से हम आपके खिदमत में एक सेटअप की वीडियो के साथ पेश हैं। आज हम एक बर्ड्स का सेटअप आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ के ऑनर से आपको मुतारिफ़ कराएंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पैरट्स में इनका इंटरेस्ट है, इन्होंने अभी तक कौन कौन से पैरट्स रखे हैं, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए ऑनर की तरफ चलते हैं। तो सेटअप के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र, दुआ चाहिए। सबसे पहले तो अपना नाम और अपना इंट्रोड्यूस करा दें हमारे नाज़रीन के साथ। नाम मेरा मोहम्मद अली है और बाकी मेरा सेटअप माशाल्लाह आपके सामने है। अच्छा, ये बताएं आपका किन किन बर्ड्स में इंटरेस्ट है, कौन कौन से पैरट्स में आपका इंटरेस्ट है, और ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो खैर बचपन से मुझे शौक़ था, लेकिन अभी इस फील्ड में आया हूँ तकरीबन साल भर हुआ है, और ये सारे हैंड टैम हैं। सारे हैंड जितने भी बर्ड्स मैंने रखे हैं सब हैंड टैम रखे हैं, प्रॉपर हैंड टैम। इनको मतलब अच्छी तरीके से ट्रेन करके हैंड टैम टॉकिंग करके फिर उसके बाद आगे डिलीवर किया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब आप कह रहे हैं कि आपका बचपन से शौक़ है, तो ज़रूर यकीनन आपने छोटे पैरट्स रखे होंगे, उसके बाद आपने बड़े पैरट्स रखे होंगे। छोटे पैरट्स भी रखे, मिट्टू भी रखे, सब कुछ रखा, लेकिन अब माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते ग्रे पैरट, ब्लू गोल्ड मकाओ, ये सब चीज़ें जो है इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। वैसे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़े पैरट्स में ज़्यादा बेनिफिट्स है बनिस्बत छोटे पैरट्स के। जी ऐसा ही है, बिल्कुल जी। छोटे पैरट्स में जो है इतना बेनिफिट भी नहीं है, और फिर उसकी केयरिंग उतनी ही है जितनी बड़े पैरट्स की है, तो इससे बेहतर है कि आप बड़े पैरट्स की आदमी केयरिंग कर ले। ठीक है, तो ये बताएं कौन कौन से दिखाने जा रहे हैं आप आज हमारे नाज़रीन को? इस वक्त माशाल्लाह मौजूद है मेरे पास गाला काकाटू है, पहाड़ी की रेंज है, और ग्रे पैरट की रेंज है। चले आए दिखाते हैं व्यूअर्स को। सबसे पहले अलेक्जेंडर जी, कश्मीरी पहाड़ी है जी, कश्मीरी पहाड़ी, प्योर कश्मीरी पहाड़ी, प्योर कश्मीरी पहाड़ी है जी। ले आराम से ले, बिल्कुल फ्रेंडली है। अच्छा, इसके बारे में बताएं, इसकी ये माशाल्लाह ऑन मोड होता है जब टॉकिंग करता है, और अभी इंशाल्लाह ये आपके सामने भी विस्लिंग वगैरह करेगा, टॉकिंग करेगा, और बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, अल्फाज टॉकिंग कर रहा है तो टॉकिंग में कौन कौन से अल्फाज ये बोलता है? देखिए माशाल्लाह मेरा पूरा सेटअप है, कौन सा बर्ड क्या वर्ड दे रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है मिट्टू, अल्लाहु, अस्सलाम वालेकुम, ये जो कॉमन वर्ड्स हैं वो तो ये रूटीन में बोलते रहते हैं। अच्छा, एक दफ़ा आप लालू खेत में भी आए थे जब आपका इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था बाहर जितने भी सब्जी वाले आते हैं, जो भी आते हैं, सबकी आवाज़ें निकालते हैं। वो पैरट बहुत फेमस हुआ था, वो एक कस्टमर लेके गए हैं माशाल्लाह, अभी तक तो उन्हीं के पास है, तो उनको कई दफ़ा कॉल भी की कि भाई अगर आपका मूड हो तो दे दो, उन्होंने कहा नहीं अभी तक तो कोई मूड नहीं है, वो माशाल्लाह खुश हैं उसके साथ। इसके अलावा मैंने जितने भी पहाड़ी रखे हुए अलेक्जेंडर जितने भी रखे हुए हैं सब फुल टॉकिंग है, फुल हैंड टाइम है। अच्छा, फुल टॉकिंग है, फुल हैंड टाइम है। मैं आपको दूसरा पीस भी निकाल दूँगा। अच्छा, इसकी एज बता देगा सर? इसकी एज 2.5 साल जी। ये बताएं कि इसकी एज कितनी है? इसकी 3 साल। ये 3 साल का जी। इसका हमने नाम रखा है राजा साहब। अच्छा, राजा साहब जी। तो राजा साहब कितने साल के? ये 3 साल के। 3 साल के हैं माशाल्लाह जी। तो क्या क्या अल्फाज बोल रहे हैं राजा साहब? ये माशाल्लाह बहुत कुछ बोलते हैं, और इनमें सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये हाथ पे बैठ के आपको जो है ना फौरन रिप्लाई देंगे, और बहुत अच्छी वर्डिंग देते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है जो वर्ड आप दें इसको फौरन पिक करके रिटर्न देता है। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत कम पैरट्स में ऐसा होता है कि वो फौरन डिलीवर करें, ये फौरन डिलीवर करता है। अच्छा, ये बताएं कि इनकी प्राइस कितनी है? ये 40,000 ईच। 40,000 ईच है जी। इस गाला काकाटू के बारे में बताइए जी। ये है गाला काकाटू, इसकी एज तकरीबन 15 मंथ है। 15 मंथ इसकी एज है जी। तो क्या ख़ास बात है इसमें? ये बहुत प्लेफुल और बहुत डांसिंग है। अच्छा, डांसिंग में अच्छी है, प्लेफुल है जी जी। अच्छा, टॉकिंग इसने स्टार्ट करी, टॉकिंग कर रहे हैं? विस्लिंग बहुत अच्छी करता है, टॉकिंग में एक दो वर्ड देता है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती है। मतलब वही वाली बात कि इतने सारे वर्ड्स हैं, कब ये मूड में होता है, कब ये क्या वर्ड देता है, नहीं समझ में आती, लेकिन छोटे छोटे वर्ड देता है, बड़े वर्ड नहीं देता ये। अच्छा, ये बताएं कि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये जी। अच्छा, डांसिंग में बहुत अच्छा है और विस्लिंग में अच्छा है जी। बाकी टॉकिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएगा जी। जाहिर सी बात है, जैसा सिखाएंगे वैसा करेगा ये।
जी नेक्स्ट क्या दिखाना है? नेक्स्ट ग्रे पैरेट। जी ग्रे पैरेट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये बताएं कि एज में कितने हैं? इसकी एज 1.5 साल है। और जो मेरे कंधे पे बैठा हुआ है? 1 साल। जी 1 साल का। तो टॉकिंग में क्या क्या अल्फाज बोल रहे हैं? ये माशाल्लाह मिठू, कौन है, अस्सलाम वालेकुम, ये वर्डिंग दे रहे हैं। बाकी ये है कि लर्निंग एज है, जो सिखाएंगे वही सीखेंगे। अच्छा ये बताएं कि ईच ग्रे पैरेट डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड 90,000। कोई सा भी ले लें इनमें? जी एक ग्रे पैरेट की 90,000 डिमांड है। तो ये बताएं आपके पास कितने ग्रे पैरेट हैं? माशाल्लाह 4 पीस अवेलेबल है। अच्छा 4 पीस अवेलेबल। 4 to 4 हैंड टाइम फ्रेंडली टॉकिंग। माशाल्लाह फ्रेंडली तो काफ़ी है, क्योंकि मेरे कंधे पर बैठा हुआ और मैं इसको टच भी कर रहा तो ये बाइट नहीं कर रहा। जी बहुत ज़बरदस्त, नेवर बाइट। अच्छा आपने 90,000 इनकी डिमांड बोली है, कुछ निगोशिएशन है, कुछ कमी पेशी है? देख लेंगे आपके व्यूअर्स के लिए जो गुंजाइश होगी कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट में क्या दिखाना है? नेक्स्ट में बाकी तो ये सारा कलेक्शन आपने देख लिया, इसके बाद जो है ब्रीडिंग सेटअप है वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन उनके चिक्स हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और कुछ ब्रीडिंग पेयर्स हैं पहाड़ी के। अच्छा पहाड़ी के ब्रीडिंग पेयर कितने हैं आपके पास? वो जो फॉर सेल के लिए हैं वो 4 ब्रीडिंग पेयर हैं। 4 ब्रीडिंग पेयर हैं। अच्छा ये बताएं ब्रीडिंग पेयर हैं तो एज कितनी है उनकी? वो 3 साल से अबव है, एडल्ट। कितनी दफ़ा आपने ब्रीड ले लिया उनसे? उनसे तकरीबन 1 साल ब्रीड ले चुके हैं, लेकिन अब हम उसको मूव करके ग्रे पैरेट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ग्रे पैरेट की तरफ जाने से आप पहाड़ी सेल कर रहे हैं। तो ईच पहाड़ी का पेयर कितने का है ब्रीडिंग? ये 70,000। 70,000 का ईच पेयर। जी बाकी आपके व्यूवर्स आएंगे तो उनके लिए जो निगोशिएट होगा वो कर देंगे। अच्छा मैंने देखा आपके पास यहाँ पे लोरीज वगैरह भी हैं, थोड़ा पहले लोरीज वगैरह दिखा देते हैं व्यूवर्स को, उसके बाद फिर चिक्स की तरफ। मेरे पास फ्लाइंग टाइम लॉरीज का कलेक्शन है, मैं अभी आपको 2 पीस दिखाता हूँ, एक पाइनएप्पल कनोर और एक लॉरी। ये दोनों माशाल्लाह फ्लाइंग टाइम हैं और बाकी भी हैं, लेकिन वो फिर सेटअप पे ही रखी हुई हैं ऊपर, तो वहाँ मैं अभी नहीं जा सकता। बाकी एक एक पीस आपको अभी दिखा देता हूँ, उसका कलेक्शन भरपूर मिल जाएगा। ठीक है ये दिखा के फिर व्यूअर्स को चेक दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है लोरी और किन्नौर। तो किन्नौर और लोरी की इन्होंने मैचिंग ऐसी लगाई माशाल्लाह कि जहाँ लोरी बैठा होता, जहाँ किन्नौर बैठा होता है वहाँ लोरी उसको फॉलो करते हुए आ जाता है। तो आपको ये पूरा शॉट दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर मैं लोरी को अपने पास बैठाता हूँ, सॉरी किन्नौर को अपने पास बैठाता हूँ तो लोरी किस तरीके से आता है, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में किन्नौर है और अभी लोरी भी उड़कर आएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रेन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ये किन्नौर जो है अगर इसको आप कहीं बैठा दें तो लोरी फ़ौरन फॉलो करके उसकी तरफ चले जाता है और ये देख सकते हैं आप लोग मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेम है ये, और मैंने ये पहली दफ़ा ऐसे टेम देखें कि एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और इतनी मोहब्बत है कि एक दूसरे को फॉलो करके एक दूसरे की तरफ ही चले आते हैं। देख सकते हैं कि ये आ गया उड़ के। देखा व्यूअर्स आप लोगों ने, जहाँ एक पैरट होता है वहाँ दूसरा उसको फॉलो करके चले आता है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रेन हुआ है ये। आइए मज़ीद इनके बारे में मालूमात लेते हैं। क्या नाम है? जी अली भाई अभी हमने देखे माशाल्लाह किन्नौर और आपने लोरी का जो मैचिंग लगाई है बहुत ही ज़बरदस्त है, माशाल्लाह एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बताएं आपने, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आप इनको ट्रेन कैसे किया? बड़ी मेहनत लगी इसमें, बस ये है कि थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा शौक है आपको बताया बचपन से है, तो इनको लेके बैठते हैं सुबह भी शाम में भी रात में भी, फिर कुछ घर वाले भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ट्रेन हो गए हैं। तो अब इनको जाहिर सी बात है एक साथ ही रखा है, फिर इनको थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं तो ये एक दूसरे के पास ही रहना चाहते हैं। माशाल्लाह इन दोनों के दरमियान, मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह इन दोनों के दरमियान मोहब्बत इतनी है कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं एज में कितने हैं? एज में ये अभी पट्टे हैं, under 1 year यहाँ ये। अच्छा under 1 year हैं, तो इनकी प्राइस कितनी है? इनकी प्राइस जो दोनों एक साथ लेगा उसके लिए 60,000 है। 60,000। और अगर कोई अलग अलग करना चाहे कि जैसे इनको जुदा करना चाहे तो 40,000 रुपये में रेड कॉलर है और 20,000 रुपये में पाइनएप्पल कनोर है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो भी ले वो एक साथ ले और जो भी इसमें नेगोशिएट होगा वो कर लेंगे, लेकिन एक साथ जाएं तो उसमें मज़ा है। एक साथ जाएंगे तो उसमें ये बेनिफिट है खरीदने वाले के कि ट्रेन हुए हुआ है। जी हमें भी खुशी होगी, एक साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ ही रहें, आगे भी एक साथ रहें तो अच्छा है। ठीक है ये अब चलते हैं चिक्स की तरफ, व्यूअर्स को चिक्स दिखा। ज़रूर ज़रूर आइए। जी अली भाई ये बताएं हमारे नाज़रीन को कौन कौन से चिक्स दिखाएंगे? चिक्स में मेरे पास माशाल्लाह ग्रे पैरेट की कलेक्शन है, ग्रीन रिंग नेक की कलेक्शन है, येलो रिंग नेक है, पहाड़ी है, और इसमें सनकिनोर है, लॉरी है,
गोफिन काका 2 है, माशाल्लाह अच्छा खासा कलेक्शन है। आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे और व्यूवर्स भी खुश होंगे। चलिए दिखाते हैं व्यूवर्स। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो पहाड़ी के बारे में बताएं, जो पहाड़ी के चिक्स हैं जी, ये बताएं कि इनकी एज कितनी है। ये एक एक महीने के बच्चे हैं। एक एक महीने के बच्चे हैं, तो एक पीस की डिमांड कितनी है? ये 16,000 रुपये। 16,000 रुपये का जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सबके रिंग डले हुए, रिंग जी माशाल्लाह रिंग बर्ड हैं, हमारे फार्म के नाम के रिंग डले हुए हैं। अगर हम रिंग नेक भी देते हैं तो उसमें भी हमारे फार्म का रिंग डला हुआ है। ये नहीं कि छोटा आइटम है तो उसमें हम रिंग नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे फार्म का है तो हमारे फार्म का रिंग डला हुआ है। अच्छा ये बताएं, इस इन पहाड़ी के बेबीज़ में नेगोशिएशन है या फिक्स प्राइस है? ये बिल्कुल लास्ट प्राइस है जो आपके व्यूवर्स के लिए है। ठीक है, इसी के बराबर बास्केट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे रिंग नेक्स के हैं, तो ये बताएं कौन कौन से हैं और इनकी प्राइस। ये कवर्ड ग्रीन रिंग नेक है, ये 5,500 रुपये का है, 5,500 रुपये का। अच्छा, इसकी एज कितनी है? इसकी 1.5 महीने। 1.5 महीने का। और येलो का? येलो का जो है ये 28,000 रुपये का ईच है। अच्छा, 28,000 रुपये का, तो ये बताएं इसकी एज कितनी है? इसकी तकरीबन 1.5 महीने से क्रॉस है। 1.5 महीने, वो जो पीछे है वो 1.5 महीने का है। अच्छा, ये 1.5 महीने का, ये 1.5 महीने, 1.5 महीने से क्रॉस है। 1.5 महीने का है, वो कितने का? दोनों सेम प्राइस हैं, क्योंकि इनमें कुछ दिनों का फ़र्क है तो इसमें प्राइस में दोनों सेम ही। ठीक है, और यहाँ पर जो छोटा बच्चा, कौन सा? ये ग्रीन रिंग नेक है। अच्छा, ये कितने का? ये 5,500 रुपये का। ये 5,500 रुपये का। अच्छा, एज में दोनों सेम है? जी जी, आप देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं, माशाल्लाह खुद ही बास्केट से बाहर आ रहे हैं। जी, नेक्स्ट इसमें बास्केट में क्या है? जी ये आप देखें, ग्रे के बच्चे हैं माशाल्लाह। इसमें ये 1.25 महीने का बच्चा है। 1.25 महीने का बच्चा है, तो इसकी डिमांड कितनी है? इसकी 55,000 रुपये। अच्छा, इसमें फिक्स प्राइस है, कुछ निगोशिएशन है? वो देख लेंगे, आपके व्यूवर्स के लिए तो हमेशा ही करते हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी करेंगे, आप जो भी हो सकेगा कर देंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट बास्केट में ये भी ग्रे पैरेट है माशाल्लाह, ये थोड़े बड़े हो गए हैं। अच्छा, इनकी एज मेंशन करिएगा। इनकी एज 2 महीने क्रॉस है। 2 महीने क्रॉस है, मतलब फ्यू डेज अबव है। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी डिमांड कितनी है? इनकी भी डिमांड सेम ही है, क्योंकि फ्यू डेज का फ़र्क है, 10-15 दिन का फ़र्क है, इसमें कोई हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका व्यूवर्स आएगा, ये लेना चाहिए ये ले ले, ये लेना चाहिए ये ले ले, क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर लाइक करते हैं छोटे बेबीज़ को, क्योंकि छोटे बेबीज़ जो हैं वो शुरू से अगर केयर करते हैं तो वो उनसे ज़्यादा अटैच होते हैं। अटैच हो जाते हैं। जितना बेबी बड़ा होता जाता है वो अटैचमेंट कम होती जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या दिखाने? नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह सनकेनोर दिखाऊंगा, लॉरी दिखाऊंगा और गोफिन काका 2 दिखाऊंगा। उसके अलावा छोटे ग्रीन रिंग नेक के हैं जो अभी कवर्ड नहीं है, उनके प्राइस दिखा रहे हैं। जी चिक्स ही दिखा रहा हूँ आपको। जी अली भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलेक्शन तो अब नज़र आया, बस अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। बस ये आप भाइयों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हुआ है कि ये सारी कलेक्शन अवेलेबल है। अल्लाह ताला इस कनेक्शन को और बड़ा करे, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा और आप ही इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये बताएं कि सबसे पहले इस वाली बास्केट से स्टार्ट करते हैं, तो ये बताएं इस बास्केट में कौन कौन से चिक्स हैं? इसमें 2 पहाड़ी के बच्चे हैं, ये थोड़े छोटे हैं, ये एक येलो का बच्चा है। ये अच्छा, आपने बताया कि थोड़े छोटे हैं, तो इनकी एज बताइएगा? इनकी एज तकरीबन ये समझ लें कि 25 दिन ये एज है इनकी। ठीक है, प्राइस बताइएगा इनके? इनके 15,000। 15,000 रुपये। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि येलो का बच्चा जी, ये 1 महीने का बच्चा है। 1 महीने का है। इसकी कीमत कितनी है? इसके 25,000 रुपये। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये ग्रे के बच्चे हैं, ये 1-1 महीने के बच्चे हैं माशाल्लाह। कितने दिन के बच्चे हैं? 1-1 महीने के। 1-1 महीने के हैं। इनकी प्राइस बताएं? ये 45,000। 45,000 जी। ठीक है, यहाँ पे एक गोफिन काका टू का बेबी जी, जी जी, इसकी प्राइस 95,000। और एज इसकी? इसकी तकरीबन 55 दिन। 55 डेज है जी। 55 डेज, 2 महीने होने वाले हैं अप्रॉक्स। और यहाँ पे जो ग्रे पैरेट है जी, ये 20 डेज का है। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? इसकी भी 45। 45 है जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेकेट हैं, यानी उनके अभी तक फेदर नहीं आया, यानी पढ़ नहीं आया, तो ये बताएं कि ये ग्रीन रिंग नेक के बच्चे हैं। ठीक, ग्रीन रिंग नेक के हैं। इनकी एज कितनी है? इनकी एज 15-20 डेज। ठीक है, प्राइस बता दें? प्राइस 4,500। अच्छा, ये बताएं कि इनके पर कितने अर्से में आ जाएंगे? ये विद इन 2 वीक्स ये इंशाल्लाह कवर्ड हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कवर्ड, विद इन 2 वीक्स ये पूरे कवर्ड हो जाएंगे। ये देखें आप, कुछ बच्चों की पिने आ गई हैं, रुए हैं, तो ये विद इन 2 वीक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सनकिनोर का बेबी है, इसके बारे में बताएं? ये 17,000 रुपये का है और ये 1 महीने का बच्चा है। 17,000 रुपये का है, 1 महीने का है जी। इसके इसकी आप एक्टिविटीज़ देखें माशाल्लाह, ये कितना एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ नीचे बास्केट में ये सुइसन लॉरी है। सुइसन लॉरी है जी। अच्छा, इसकी डिमांड बता दें? इसकी 30,000 रुपये। ठीक है, एज कितनी है इसकी? इसकी एज तकरीबन 25 दिन। 25 दिन का है जी।
अच्छा अली भाई, यहाँ पे जो हम जितने भी आपने इनके प्राइस बताए इनमें कमी पेशी है कुछ गुंजाइश या फिक्स? नहीं, ये बिल्कुल मैंने ऐसे प्राइस बताए कि मार्केट में जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि रेट सबको ही पता है, तो इसलिए अगर ज़्यादा बताते हैं तो व्यूवर्स कॉल्स नहीं करते हैं। इसमें आपका भी जो है फिर मसला है कि फिर वो रेट देने पड़ते हैं जिसमें हम दे दें, बस कुछ में सवाब कमा रहे हैं और कुछ में थोड़ी बहुत हमारे को जो है मजदूरी है। ठीक है, माशाल्लाह आपके मुझे चिक्स तो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी आपने वैरायटी दिखाई है चिक्स बस, बस और बर्ड्स में भी काफ़ी वैरायटी है। अच्छा बताएं, पहाड़ी के आपके पास हैंड टैम कितने मौजूद हैं? हैंड टैम माशाल्लाह 4 पीस हैं। और गिरे पैरेट के? गिरे पैरेट के 4 पीस हैं। ठीक है जी अली भाई, मैंने आपको शौक देखा चिक्स में भी और पैरेट्स में भी, आपने ब्रीडर भी रखे हैं, माशाल्लाह आपका शौक तो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली, तो ये बताएं आपको शौक कैसे हुआ? ये सब कुछ जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, आपकी वीडियो के तवस्सुस से हुआ। मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी, उसमें मैंने शहजाद भाई जो गोल मार्केट पे होते हैं उनकी मैंने वीडियो देखी, तो उनसे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। फिर मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी और माशाल्लाह इतनी गाइडलाइन दी कि मैं बहुत लोगों से मिला, कई तरह के लोगों से मिला, लेकिन मुझे वो मुतमईन नहीं कर सके। शहजाद भाई ने मुझे मुतमईन किया और फिर मुझे आधी रात को भी अगर उनकी नीड होती है किसी बच्चे के हवाले से या पेयर के हवाले से तो वो फौरन सर्विस देते हैं मुझे। अच्छा, और तो शहजाद भाई की डील से आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल 100%, मतलब मैं आँख बंद करके उनकी बात पर भरोसा कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि अब तक जो है उन्होंने मेरे लिए जो भी डिसीजन लिया है वो सही लिया, उन्होंने जो बात सही थी वो सही बताई, जो गलत थी वो गलत बताई, ये नहीं कि गलत को भी सही बताया, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन भी दी। आज भी अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड के हवाले से तो वो ये नहीं देखते कि हमारी सेम फील्ड है, वो ये देखते हैं कि यार ये मेरे पास आए इनका ये काम हो जाए तो अच्छा है। वो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, अल्लाह उनको और दे उनके काम में, उनके रिस्क में बरकत दे बस, और आपके भी, क्योंकि अगर मैं आपकी वो वीडियो नहीं देखता और शहजाद भाई का मैं इंटरव्यू नहीं देखता तो मैं इस फील्ड में आता ही नहीं, मैं एक आध बर्ड लेके अपना शौक पूरा करता रहता। लेकिन आज जो मेरे पास इतना कलेक्शन, इतने ब्रीडिंग पेयर माशाल्लाह सेटअप है मेरा, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह इस फील्ड में मेरे साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी सब कुछ देखते हैं दिन भर, वो देखते हैं। अच्छी बात है ना, आपने अपने बच्चों को भी लगाया। देखें इससे ये होता है कि देखें घर में हर घर के अंदर मसले मसाइल जहनी टेंशन होती हैं, डिप्रेशन होती है साथ, तो ये जब हम बर्ड्स की तरफ आते हैं तो हम डिप्रेशन से भी दूर रहते हैं और अपने एक एक्टिविटी में लगे रहते हैं। जाज़िब भाई आप यकीन करें, जब बर्ड्स को खिलाते हैं और जब ये अपने खुद से खा रहे होते हैं ना तो दिल को एक तस्कीन सी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं कुदरती बात है। आप देखते हैं रोडों पे लोग कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं, तो हम जब अपने हाथ के पले हुए परिंदे को दाना खिला रहे होते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तो ये तो शौक ही एक अलग है और ये नशा है, मैं शौक नहीं कहूँगा ये नशा है, अगर ये एक दिन भी ना करूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा माशाल्लाह, बात है सच्ची जी। अली भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं व्यूवर्स के साथ। 03002314459। चले, मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो खुश होकर जाएंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, बिल्कुल, और आपके रेफरेंस आएंगे तो ज़रूर खुश होकर जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स ये थी एक सेटअप की कवरेज, आज हम पैरट्स के सेटअप पे आए थे, खासकर आप तमाम व्यूवर्स के लिए आए थे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आए थे, आप लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि हम आपको चिक्स दिखाएं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको चिक्स दिखाएं जाएं। तो आज यहाँ पे हमने वैरायटी देखी चिक्स में, तो इंशाल्लाह अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये आपके साथ कॉपरेट करेंगे। तो ये थी लेटेस्ट वीडियो सेटअप की, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। जज़ाकअल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफिज़।